वो आपको इलम की रोशनी से नजर पड़े, आपके रूप में आपको लाते हैं। मैं हुसैन से हूं, तो अगर हुसैन रसूलुल्लाह से हैं
तो आप जितनी अजीयतें, चाहे वो कोई भी था, चाहे वो जिसका भी बेटा था, वो कलमा पढ़ता था, वो कलमा पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, वो मुसलमान था या किसी और दीन पर था, मुझे इससे गर्ज नहीं। सिर्फ इतना तो मानो ना कि उसने हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया, सिर्फ हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया, नहीं, यजीद ने तीन काम किए अपनी 3 साल या 4.5 साल उम्र में या 4.25 साल की उम्र में, बख्तलाफ रवायत जितनी भी थी, उसने सिर्फ 3 काम किए। एक, उसने हुसैन का कत्ल किया, नहीं खाली हुसैन का नहीं, अहले बैत रसूल का कत्ल किया, रसूल की बेटियों को कैद किया। दूसरा काम, उसने मदीना की ताराजी का हुक्म दिया, मुस्लिम बिन उकबा को अपना सुपर सरदार बनाकर उसने भेजा, और उसने 70 सहाबियों को कब्र रसूल के सामने ज़िबा कर दिया, जो आज भी जन्नतुल बकिया में असहाबे हिर्रा के नाम से दफन है। वो 70 सहाबी यजीद ने कत्ल कराए थे, उसी के हुक्म पर मुस्लिम बिन उकबा ने कहा था कि 3 दिन तक मदीना तुम्हारे लिए जायज है। सहाबा रिजवानुल्लाह के घरों में इसके सिपाही दाखिल हो गए। फिर तीसरा काम उसने कहा, जब मुस्लिम बिन उकबा रास्ते में मर गया, हज्जाज बिन यूसुफ उसका सुपर सरदार बना, तो उसने कहा जुबैर को, हर अब्दुल्ला बिन जुबैर को हर कीमत में गिरफ्तार करो, अगर ना हो तो भले काबा ढाना पड़े तो गिरा दो। उन्होंने काबा पे आग बरसाई, काबा जल के राख हो गया, उसका गिराफ जल गया। ये है यजीद के कारनामे, अभी भी रजी अल्लाह है। चलिए हुसैन हमें दे दीजिए, सर आंखों पे हुसैन, आइए हमें दे दीजिए हुसैन, हुसैन के लिए बाहर ना निकले। लेकिन जिसने मदीना बर्बाद किया, जिसने अपना घोड़ा हुक्म कहा कि मेरा घोड़ा रसूलुल्लाह की कब्र पर बर्बाद आ जाए, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई, कब्र रसूल से अजान और अकामत आती रही, क्या तारीख़ तिबरी ने, मसौदी ने, इब्न खलकान ने, क्या खल्दून ने, सब ने, मिल्लत इस्लामिया के लोगों ने ये नहीं लिखा कि 3 दिन तक मदीना बर्बाद, सहाबा का कातिल, उनकी बेटियों की बेहरमती, मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए गए, उन्होंने पेशाब नहीं किया, रसूल की कब्र की बेहरमती, क्या मदीना के कुत्ते तिबरी ने कहा मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। ये सारे यजीद के कारनामे। चलो तुम्हें कत्ले हुसैन मामूली लगता है तो ये हमारे जिम्मे, आओ हमारे साथ निकलो और कहो किसने मदीना बर्बाद किया उस पर लानत, किसने मक्का चलाया उस पर लानत। हम कहते हैं आप हुसैन के लिए निकलेंगे तो शिया हो जाएंगे, ये क्या होता है शिया, ये क्या होता है सुन्नी। कभी अपने आप को आपने सोचा कि हम मिल्लत मोहम्मद हैं, हम उम्मत मोहम्मद हैं, हर जगह पे फिरका वारियत कौफर है, फिरका वारियत कौफर, कोई फिरका नहीं है इस्लाम में। ये मुल्क हम बतौर फिरका यहां नहीं बैठे, हम कौम हैं मुसलमान और पाकिस्तानी, हम कोई फिरका विरका नहीं है, हुसैन किसी फिरके का नहीं है, हुसैन इंसान का है। आओ हुसैन के लिए बाहर आओ, हुसैन का पैगाम घर घर पहुंचाओ। ये पाकिस्तान ममलुकत खुदादाद तबाही और बर्बादी के लिए नहीं बना, क्या फकीरों ने नहीं कहा, क्या तुमने नहीं खुद कहा 47 की जंग आजादी में आपकी कौम ने नारा लगाया था, कायद ने लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जनाब फिर फकीर की सदा तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची कि हक्का के बिना है ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा का मतलब है हुसैन, ये पाकिस्तान बना ही हुसैन के लिए। फिर कवारियत कह
कहती है ना मैंने कॉफर है कोई फिर खबर है। हाँ तुम मुझे ये कहो कि 61 हिजरी असरे आशूर के बाद आज ही के दिन कत्ले हुसैन से पहले 10,000 फिरके थे। मैं कहूंगा 10,000 फिरके नहीं थे, 10,00,000 थे, लेकिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी शहादत हुसैन के बाद अब इस्लाम में कोई फिरका नहीं है, सिर्फ दो फिक्रे हैं, एक हुसैनी फिक्र, एक यजीदी फिक्र। अब तुम्हें जो अच्छी लगे वो इख्तियार करो, कम से कम मुनाफिक ना बनो। मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज और जितने भी खुफिया इदारे हैं, ये आपकी कौम का असासा, ये आपके हैं, ये आपके बेटे हैं। देखते नहीं तुम हुसैन हुसैन कर रहे हो और इर्द गिर्द तुम्हारे वो पहरा दे रहे हैं इसलिए कि इन्हें तनख्वाह मिलती है। ये कौन कौन से मसलक से हैं किसी को कोई पता नहीं, नहीं ये इसलिए पहरा नहीं दे रहे, माफ कीजिए, कि ये रियासत के मुलाजिम है और इनकी जिम्मेदारी है, नहीं ये सुन्नत अबू तालिब पर है। इधर रसूल नमाज पढ़ने आए, लोगों ने पत्थर उठाए, अबू तालिब ने तलवार निकाली, कहा नबी आप हिफाजत से पढ़िए, मैं पहरा देता हूं। वैसे तो हमारे इमाम बता चुके हैं, साथ के आले मोहम्मद से इब्राहिम ताजर ने पूछा था, बोला मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं इब्राहिम अकलमंद आदमियों कब तक हुसैन हुसैन करोगे, जमाना हो गया हुसैन को, कब तक करोगे। मौला मैं क्या जवाब दूं, सादे ख्याल मोहम्मद ने मुड़ के कहा कि अब तुम लाजमी जाना और उनसे कहना कि हमारे इमाम कहते हैं जब तक अल्लाह अल्लाह होगी हुसैन हुसैन। हुसैन को तुम खत्म कर लोगे क्योंकि अल्लाह को तुम खत्म नहीं कर सकते। हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, लेकिन कौम को कुछ सोचना भी तो चाहिए। हमसे पूछो ना क्यों बैठे हुए, हाँ ये मेरी बेटियां क्यों आई हैं, मेरी माएं क्यों आई हैं बुढ़ापे में, मेरे बच्चे क्यों आए हैं, मेरी बच्चियां क्यों आई हैं, ये बाजार में घरों में नहीं निकलती बाहर, लेकिन आज क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, ताकि पूरी इंसानियत को बता सके, दुनिया के अरबों इंसानों को बता सके कि हुसैन किसी फिरके का नहीं है, हुसैन आलम इंसानियत का। दहशतगर्द नहीं है, मोमिन हो भी नहीं सकता। अगर हम दहशतगर्द होते हमारी बेटियां यहां क्यों आई हैं, हम अमन के लिए आए हैं। हम कहते हैं हुसैन को जिंदा कीजिए अगर अमन चाहते, हम चाहते हैं हुसैन के नाम पर कोई भी ऐसा काम ना कीजिए जो अमन के खिलाफ हो, क्योंकि हुसैन अमन का लंबरदार है। लेकिन इंसाफ तो करना चाहिए ना, हुसैन के मुकाबले में जो है ना ये तारीख की सितम शरीफी है कि हुसैन के मुकाबले में भी मुसलमान है। ये गर्दश आयाम है, जो बोया गया था वो काटा जा रहा है, हुसैन के मुकाबले में भी मुसलमान है, कोई यहूद और नसारा नहीं है, हुसैन के मुकाबले में काफिर नहीं है। हुसैन भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद और यज़ीद भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है,
मैं तुमसे पूछूं कि अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कौन सा ला इला इल्लल्लाह दुरुस्त है, हुसैन का या यजीद का? कौन सा? हुसैन भी नमाज पढ़ रहा है उसी वहदहु ला शरीक की, यजीद और इब्ने साब और इब्ने ज़ियाद भी उसी अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन भी कुरान पढ़ रहा है, इब्ने साद और यजीद इब्ने ज़ियाद ये सब भी वही कुरान पढ़ रहे हैं, ये भी हाजी है, हुसैन भी वो भी हाजी है, ये भी तस्बीह ख्वाह है वो भी तस्बीह ख्वाह है, वो भी ज़कात देते हैं ये भी ज़कात देते हैं। तो मैं तुमसे पूछूं जब इस्लाम दोनों तरफ है तो अब इसमें से कौन सा इस्लाम मोहम्मद का है? क्या ये यहाँ तो बाजार की मजलिस है, यहाँ तो आपको नारा ऐसा लगाना चाहिए था कि अर्श पर जो मलाइका है वो भी उतर आते हैं। मुसलसल नारे लगाएंगे, पता चले हुसैन भी बैठे बेटे को भी चढ़ा दिया, अब तो जंग खत्म हो गई ना,
तुम्हारी फतह हो गई, अब क्या मसला है? लेकिन चादरें किधर हैं मुस्तफा की बेटियों की? तुमने वो भी उतार दी कलमा पढ़ के, वो किधर है चादरें? हम चादरें मांगने निकले हैं, हम पूछने आए हैं कलमा गो से कि कलमा नबी का, और घर में आराम से बैठे हो तुम मोहम्मद मुस्तफा की बेटियों की चादरें किधर है मेरे भाई? अच्छा चलो चादरें छीन ली, चलो फतह का जश्न था, नहीं याद रहा कि मुस्तफा की बेटियां हैं। अच्छा ये जंजीरें क्यों ले आए हो? और ये जंजीरें क्यों लाए हो? अच्छा मोहम्मद की बेटियों को पहना नहीं? अच्छा पहना दी, चलो कोई बात नहीं, फाते जो हो पहना दी। मैं मुसलमानों से पूछूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ने वालों ने ये जंजीरें क्यों पहना दी? तो किसी को तो हक कहो ना, कातिल और मकतूल दोनों रजी अल्लाह नहीं हो सकते, जालिम और मजलूम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये पूछूं, चलो जंजीरें भी पहना दी, अच्छा उन्हें बाजारों में क्यों ले आए? शराब तो इस्लाम में हराम थी ना, तुमने तो इजाजत दी थी शराब पी कर आओ मोहम्मद की बेटियां बाजार। तुमने तो हुक्म दिया था बाजारों को सजाओ। अरे उम्मत मुस्लिमा, इसको भी भूल गए कि नबी ने अपनी बीवी सरकारे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक मिट्टी दी थी। क्या उम्मे सलमा बीबी ये मिट्टी हुसैन के करबला की है? ख्वाब में आए थे। अच्छा किस उलिये में आए थे? तुम तो कहते हो नबी ख्वाब में आए तो नबी ही होता है, और नबी चाहे यहां हो या बरजख में या मैशर में, जो कहते वो सुन्नत है। तो तुम्हारे और हमारे सब बातें सीन ने यही लिखा कि उम्मे सलमा बीबी के ख्वाब में आए किस हाल में? सुन्नत है रसूल के, नबी की जुल्फे खुली थी, नबी की जुल्फों का खुला होना क्या है, सुन्नत है या नहीं? बेआरामी की वजह से जुल्फे नहीं खुली, हुसैन की वजह से खुली। तो जुल्फे मत बनाओ, क्योंकि सुन्नत रसूल है कि खोलो। अमामा गले में नालायन है नहीं, खाक आलूद दाढ़ी है। उम्मे सलमा खुद हदीस में आए, उम्मे सलमा बीवी पूछती या रसूल अल्लाह ये कैसा हाल है? क्या उम्मे सलमा भी करबला से आ रहा हूं, मैं हुसैन और उसके साथियों का खून इकट्ठा करता और मेरी रीश खून आलू है। ये हुलिया था सुन्नत का 10 मुहर्रम को, तो सुन्नत पे अमल कीजिए, बाहर आइए हुसैन के लिए, बाहर आइए अपने नबी को उसके बेटे का पुरसा दीजिए, अफसोस कीजिए। लेकिन आपने तो हुसैन को शहीद कर दिया। कलमा पढ़ने वालों, हम कलमे के खिलाफ नहीं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हम तो खुद कलमा गो हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के उम्मती हैं। सिर्फ इतना पूछते हैं कि कभी आपने शिमर से पूछा कि तुमने जो हुसैन की जुल्फों में हाथ डाल के उसे मक्तल में पहुंचाया, तुमने जो हुसैन को ठोकरें मारी और तुम जो पुश्त पे बैठ के हुसैन की गर्दन अल्लाह अकबर कह के जुदा करते रहे, उससे क्यों नहीं पूछा? हमसे जो पूछ लिया मातम क्यों करते हो? तो तारीख से भी तो पूछा होता ना। हाय आप क्या समझते हैं हम सिर्फ है बाजार? बस मैंने जहमत का काम किया, तो मातम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो कभी मिटने ना पाए, कभी मिटने ना पाए। इस बाजार में जनाब सिर्फ हम नहीं हैं, यहां रसूल की बेटी बाल खोले खड़ी,
वो जो जाहिर हैं वो जानते हैं कि मकाम इमाम जमाना करबला में जो मकाम इमाम जमाना वो क्यों है। यहाँ पर आकर इमाम जमाना खून रोने लगे। हुसैन बिन रौफ कहते हैं मैंने पूछा मौला कब्रे मुबारक पे तो खून नहीं रहे हो हुसैन के, ये कौन सी जगह है जहाँ पे खून रो रहे हो। का इमाम जमाना खून रोते हुए कहने लगे हुसैन बिन रौफ इसी जगह मुंह के बल घोड़े से गिरा था। कहा हम हैरान हो गए, हमने कहा मौला यहाँ से तो मक्तल बड़ी दूर है, कतलगाह बड़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ से हुसैन वहां तक कैसे गए। तो इमाम कहते इसीलिए तो खून रो रहा हूँ, यहाँ से बालों से पकड़कर वहां तक ले गया। और मक्तल नमा वो रवायत करते हैं कि जालिम ने आके हुसैन को ठोकर मारी। आए वो जो रसूल जैसा था आकर उसके सीने पे पैर रखा, तब हुसैन ने आंख खोली, कहा ओ लईन तुमने अल्लाह के अर्श पर पैर रख दिया। अल्लाह तुम लोहे अला कौम जालिमी मातम हुसैन।